Hello everyone, welcome back to your maths class. Students, in chapter number 6, we are learning how to factorize polynomials. In this chapter, you already have learned factorization of different trinomials. You also have learned how to factorize binomials, like which are in the form of a square minus b square. Now in today's class, you will learn the factorization of trinomials which are in the form of x square plus bx plus c, right? This is trinomial because we have three terms in it. So today in this exercise, you will learn how to factorize such trinomials which are in the form of x square plus bx plus c. Suppose you have x square plus 6x plus 8. This is in the form of x square plus bx plus c, right? Because यहाँ पर कोई numerical value नहीं है multiplication में. यहाँ पर 6 है and variable has power 1 and this is the constant term. Now what we will do? In such trinomials, first of all we will see the constant term, right? 8. Then we will firstly find the factors of 8. Start with 1. 1 8s are 8. राइट ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं ना ऑल फैक्टर्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइम फैक्टर्स. सो 2 4s are 8. 3 के टेबल में 8 नहीं आता. देन 4 2s are 8. राइट दीज फैक्टर्स आर 2 and 4 एंड दीज फैक्टर्स आर 4 and 2. बोथ आर सेम सो रिपीटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. सो यू कैन रिमूव इट. इसको रिमूव कर देते हैं बिकॉज रिपीटेशन नहीं हो रही है 2 and 4. नाउ द फैक्टर्स ऑफ 8 आर 8 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं 1 2 4 and 8. राइट अब हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 8 के जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए. कौन कौन से फैक्टर्स हैं 1 8s are 8, इनको मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है. एंड 2 4s are 8, इनको मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है. अब इन फैक्टर्स में से दीज आर पॉसिबल फैक्टर्स ना जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है. अब हमें ऐसा फैक्टर चूज करना है कि जो मिडिल टर्म के न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कोफिशेंट है उनको फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाए. मिडिल टर्म का कोफिशेंट क्या है 6 है. सो हमें ऐसा फैक्टर चूज करना है ऐसे फैक्टर्स चूज करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 6 आ जाए. सो वी हैव फैक्टर्स 1 and 8. 8 and 1 को अगर हम ऐड करेंगे वी विल गेट 9. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 7. सो ये पॉसिबल नहीं है. 2 and 4. 2 and 4 को अगर हम ऐड करेंगे वी विल गेट 6. सो दिस इज द पॉसिबल फैक्टर. राइट सो इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 and 4. नाउ स्टूडेंट्स पॉसिबल फैक्टर्स आर 2 and 4. नाउ स्टूडेंट्स इनको ऐड करने पर आ रहा है तो हम ऐड करेंगे. राइट ऐड करने के लिए या तो दोनों फैक्टर्स क्या हो सकते हैं प्लस के हो सकते हैं या दोनों माइनस के हो सकते हैं. बट वी हैव हियर प्लस साइन. राइट तो दोनों फैक्टर्स क्या होंगे प्लस के ही होंगे ध्यान रखना है. सो एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट फैक्टर क्या था 2. सो दिस विल बी 2x. दोनों का सेम ही साइन होगा बिकॉज वी आर एडिंग 4x प्लस 8. राइट फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी कैन टेक x कॉमन. नाउ इन ब्रैकेट वी हैव x प्लस 2 प्लस फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी कैन टेक 4 कॉमन. सो x प्लस 4 2s are 8. नाउ दिस x plus 2 and x plus 2 is the common factor, right? So we will take it common. X plus 2 into what we have in bracket now, x plus this 4, right? So right here 4. This is your answer. Students, आप अपने answer को check भी कर सकते हैं easily. देखो, ये जो last constant term है ये मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए इन न्यूमेरिकल वैल्यू को जो सेकंड टर्म्स हैं 2 4s are 8. राइट एंड इन सेकंड टर्म जो 2 and 4 है उनको ऐड करके क्या आना चाहिए मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 6. राइट इट मींस योर आंसर इज करेक्ट.
Now let's practice with some more question. Question number 1 of exercise 6F. This is in the form of x square plus bx plus c. ऐसे ही हो रहा है, जो हमारे वेरिएबल है उनकी पावर डिक्रीज हो रही है और n टर्म क्या है, कांस्टेंट है, राइट? एंड फर्स्ट पावर क्या है, 2 है. सो हाउ वी विल डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द कांस्टेंट टर्म 6. 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. 1 6 are 6, राइट? 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 are 6. नेक्स्ट 2 के बाद क्या आता है, 3. 3 2 are 6. बट 3 2s and 2 3s दोनों सेम ही हैं, सो रिपीटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, उसको रब कर देते हैं, राइट? सो नाउ वी हैव फैक्टर्स 1 and 6, 2 and 3, जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 6 आ रहा है. बट हमें और क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, उनको ऐड करके क्या आनी चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आनी चाहिए 5, राइट? सो अगर हम 6 - 1 करें तब भी 5 आ जाएगा, 2 + 3 करें तब भी 5 आ जाएगा, राइट? बट दिस इज़ अ प्लस साइन, सो हम कोशिश करते हैं, इजी होगा कि हम प्लस वाला ही ले लेते हैं, 2 + 3, राइट? सो दिस इज ए स्क्वायर, बोथ विल बी ऑफ प्लस साइन बिकॉज वी हैव प्लस साइन हियर, राइट? प्लस फर्स्ट फैक्टर इज 2a + 3a + 6. Now from these two terms take a common, a in bracket we have a + 2 plus, from these two terms you can take 3 common, so take 3 common, a + 3 2s are 6, right? Now we have this a + 2 common binomial factor, right? So I will take it common, a + 2. Now in the bracket we left with a + 3. So write it here, a + 3. Right, this is your answer. Next, again this is in the form of x² + bx + c. C is the constant term. So firstly we will check the constant term. 42 के factors find out करते हैं, ऐसे factors जिनको multiply करके क्या है, 42, right? So 1 × 42 = 42, right? 2 से check करते हैं, 2 से किसको मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 2 2s are 4, 2 1s are 2. 2 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 42. नाउ 3 से चेक करते हैं, दिस इज डिविजिबल बाय 3 ना, बिकॉज 4 + 2 is 6. सो 3 1s are 3, 3 4s are 12. सो 3 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 42. 4 10s are 40, 4 11s are 44. 4 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 5 नॉट पॉसिबल बिकॉज एंड डिजिट इज 2. 6 7s are 42, राइट? 6 7s are 42. नेक्स्ट 6 के बाद क्या आता है, 7. 7 6s are 42 विल बी रिपीटेशन बिकॉज यहाँ पर भी 6 and 7 है, यहाँ पर भी 6 and 7 सेम ही है, सेम ही फैक्टर्स हैं, सो रिपीटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. सो आई एम रबिंग इट, इसको रिमूव कर देते हैं. नाउ यू हैव पॉसिबल फैक्टर्स हुज मल्टीप्लीकेशन इज 42 इज दिस. ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं. फर्स्टली वी विल लुक फॉर द एडिशन बिकॉज वी हैव प्लस साइन हियर, यहाँ पर प्लस साइन है, तो प्लस वाला चेक करते हैं. 1 + 42 नॉट पॉसिबल, 13 आएगा ही नहीं. 21 में अगर 2 ऐड करें 23 आता है, सब्ट्रैक्ट करने पर भी 13 नहीं आएगा. 3 + 14 = 17 होता है, एंड 14 - 3 = 11 होता है, नॉट पॉसिबल. 6 + 7 = 13 होता है, राइट? सो कौन सा पॉसिबल फैक्टर है, 6 and 7. ये फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 42, एंड उनको ऐड करके क्या आ रहा है, मिडिल टर्म का कोफिशियंट आ रहा है विच इज 13, राइट? सो m² + 13 को कैसे लिख सकते हैं, 6 + 7, बट हमें क्या लिखना है, 13m लिखना है. तो हम क्या लिखेंगे, 6m + 7m, राइट? प्लस
42 एज इट इज. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज रखा है, सिर्फ मिडल टर्म को ब्रेक करके लिखा है, राइट. नाउ फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स यू कैन टेक m कॉमन. आई एम टेकिंग m कॉमन हियर. नाउ इन द ब्रैकेट इट विल बी m प्लस 6 प्लस. फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक 7 कॉमन. सो टेक 7 कॉमन. सो वी विल लेफ्ट विद m प्लस 7, 6 आर 42, राइट. नाउ वी हैव दिस कॉमन बायनोमियल फैक्टर. सो आई एम टेकिंग इट कॉमन. सो टेक इट आउटसाइड द ब्रैकेट m प्लस 6. नाउ इन द ब्रैकेट वी हैव m प्लस 7, राइट. दिस इज योर आंसर. एंड स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो चेक योर आंसर. फर्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एम स्क्वायर विच इज द फर्स्ट टर्म, राइट. एंड न्यूमेरिकल टर्म्स को सेकेंड टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आएगा 6 7 42 विच इज द लास्ट टर्म, राइट. एंड इन टू टर्म्स को ऐड करने पर क्या आएगी, मिडिल टर्म विच इज 13, 6 7 13. दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दिस 36. नाउ स्टूडेंट 36 इज ऑफ माइनस साइन. मतलब हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, माइनस 36 आ जाए, राइट. माइनस 36 कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक फैक्टर क्या हो, नेगेटिव हो. बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, राइट. अगर ऑपोजिट साइन होते हैं तभी ही मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन आता है. पहले हम सिर्फ 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, साइन की बात बाद में करेंगे. 1 मल्टीप्लाई 36 इज 36. नाउ विद 2, 2 मल्टीप्लाई 18 इज 36. 3 मल्टीप्लाई 12 इज 36. 4 मल्टीप्लाई 9 इज 36. 5 के टेबल में नहीं आता. 6 मल्टीप्लाई 6 इज 36. 7 के टेबल में नहीं आता. 8 के टेबल में नहीं आता. 9 के टेबल में अगर हम करेंगे 9 मल्टीप्लाई 4, दिस विल बी द रिपीटेशन बिकॉज 4 एंड 9 फैक्टर वी ऑलरेडी हैव टेकन. सो नो नीड टू राइट इट. सो लेट्स सी विच फैक्टर वी आर गोइंग टू टेक. अब फैक्टर की वन मोर कंडीशन क्या है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 9 आना चाहिए, राइट. सो लेट्स सी, 1 प्लस 36 37, एंड अगर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे वी विल गेट 35. 18 प्लस 2 विल बी 20, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 16. 12 प्लस 3 15, बट अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 3 इट विल बी 9. सो दिस इज द पॉसिबल फैक्टर, क्योंकि 12 एंड 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वी आर गेटिंग 36, बट अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 9. सो दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स, राइट. बट स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, आपको पता है आपका 36 क्या है, नेगेटिव साइन का है. सो साइन दोनों के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, राइट. एंड ऑपोजिट होंगे इट मीन्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट. सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पॉजिटिव साइन किसका लेना होगा. आप ध्यान रखो यहाँ पर ये जो 9 है ये पॉजिटिव है ना, राइट. सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव आंसर कब आता है, जब पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर वैल्यू हो, राइट. बिकॉज अगर हम माइनस 12 प्लस 3 करेंगे, साइन आर ऑपोजिट, सो वी विल सब्ट्रैक्ट देम. दिस विल बी माइनस 9, बट हमें क्या चाहिए, प्लस 9 चाहिए. सो जो ग्रेटर वैल्यू है दैट विल बी ऑफ प्लस, एंड जो स्मॉलर वैल्यू है दैट विल बी ऑफ माइनस. ये चीज़ ध्यान रखना, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इट मीन्स साइन तो ऑपोजिट होंगे. बट वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट इफ वी हैव प्लस साइन इन बिटवीन तो ग्रेटर वैल्यू जो होगी वो प्लस की आएगी. अगर सब्ट्रैक्ट करते हुए माइनस साइन आ रहा है इन बिटवीन, इट मीन्स जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो माइनस साइन की होगी, क्लियर. सो नाउ दिस इज टी स्क्वायर, राइट. दिस इज ऑफ प्लस साइन. सो 12 विल बी ऑफ प्लस 12t. माइनस वी आर सब्ट्रैक्टिंग ना, सो साइन विल बी ऑपोजिट. माइनस 3t माइनस 36. नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक t कॉमन.
Now in the bracket you have t plus 12. From these two terms you can take 3 and minus sign common. So take minus 3 common. It will become t. When we take minus sign common, the sign of all the terms inside the bracket change, right? 36 minus ka tha, ab kya ho jayega? Plus ka ho jayega. We have taken 3 outside na. So 3 12s are 36. So bracket mein kya remaining rahega? 12 hi remaining rahega. Now this is the common binomial factor. So we will take it outside the bracket. Bracket se bahar le lete hain. T plus 12. In the bracket we will left with t minus 3. Right? So this is your answer. Now question number 7. First of all, you will find the factor of 5. 5 ke factor find out karte hain. 1 multiply 5 is 5. 2 ke table mein nahi aata, 3 ke table mein nahi aata, 4 ke table mein nahi aata, 5 ke table mein aata hai. 5 ones are 5. But this is repetition, so no need to write it. Isko likhne ki need hi nahi hai. Right? So yahi factor hai, 1 multiply 5 is 5. Right? Ab hume kya karna hai? इसको ऐसे अरेंज करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, माइनस फोर आ जाए. राइट? अब अगर हम माइनस फोर वैल्यू रिड्यूस हो रही है ना, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फाइव एंड वन को. सब्ट्रैक्ट मीन्स साइन विल बी ऑपोजिट, साइन ऑपोजिट होंगे. बट ग्रेटर वैल्यू का क्या साइन होगा? नेगेटिव. वाई? बिकॉज वी हैव नेगेटिव साइन हियर. राइट? और आप चेक भी कर सकते हैं, माइनस फाइव प्लस वन से चेक करो एक बार. एक बार प्लस फाइव एंड माइनस वन से चेक करो. माइनस फाइव प्लस वन, साइन आर ऑपोजिट, सो वी विल सब्ट्रैक्ट देम एंड साइन विल बी अ ग्रेटर वैल्यू विच इज़ माइनस. अगर आप फाइव माइनस वन करेंगे, यू विल सब्ट्रैक्ट बिकॉज साइन आर डिफरेंट. फोर एंड साइन विल बी अ ग्रेटर न्यूमरल विच इज़ प्लस. राइट? बट वी नीड माइनस फोर ना, सो वी विल यूज दिस वन. राइट? सो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स को कैसे लिखेंगे? माइनस फाइव एक्स प्लस वन एक्स. माइनस फाइव एक्स प्लस वन एक्स के प्लेस पर आप और क्या लिख सकते हैं? एक्स. बिकॉज वन एक्स का मतलब भी क्या है? एक्स ही है. राइट? माइनस फाइव. नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक एक्स कॉमन. इन ब्रैकेट वी हैव एक्स माइनस फाइव नाउ. प्लस फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन नॉट टेक एनीथिंग कॉमन, सो वी विल सिंपली टेक वन कॉमन. वन कॉमन ले लेते हैं. नाउ इट विल रिमेन सेम बिकॉज हम किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द सेम. नाउ दिस इज द कॉमन बायनोमियल फैक्टर, सो टेक इट कॉमन. एक्स माइनस फाइव. नाउ इन द ब्रैकेट यू लिफ्ट विद एक्स प्लस वन. राइट? सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24. 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सो 1 मल्टीप्लाई 24 इज 24. 2 के टेबल में आता है. यस, 2 मल्टीप्लाई 2 वन्स आर 2, 2 टूज आर 4, 2 ट्वेल्व्स आर 24. 3 एट्स आर 24. 4 सिक्स आर 24. 5 के टेबल में नहीं आता. 6 फोर्स आर 24. दिस विल बी रिपीटेशन, सो नो नीड टू राइट इट. अब हमें इनमें से ऐसे फैक्टर को चूज करना है जिसको अरेंज करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिल जाए? माइनस 2 मिल जाए. राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के लिए चेक करते हैं. 24 में अगर हम 1 ऐड करेंगे 25, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23. सो ये पॉसिबल नहीं है. 12 में अगर हम 2 ऐड करेंगे 14, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10. सो ये भी पॉसिबल नहीं है. 8 में अगर 3 ऐड करेंगे 11, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, ये भी पॉसिबल नहीं है. 4 में अगर 6 ऐड करेंगे 10, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 2. सो दिस इज द पॉसिबल फैक्टर. राइट? माइनस साइन है. राइट? हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो साइन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, है ना? तो माइनस साइन है तो ग्रेटर वैल्यू का क्या होगा? माइनस साइन होगा. ठीक है? एंड स्मॉलर वैल्यू का क्या हो जाएगा? प्लस साइन. बिकॉज ऑपोजिट साइन होंगे तभी तो हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे. और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, माइनस सिक्स प्लस फोर ऑपोजिट साइन है ना, सो वी विल सब्ट्रैक्ट देम. सिक्स माइनस फोर टू एंड साइन विल बी अ ग्रेटर न्यूमरल. वी आर गेटिंग माइनस टू.
अगर आप इसको प्लस कर लेते, इसको माइनस कर लेते, दिस वुड हैव बिकम टू, दैट इज ऑफ प्लस साइन. सो हमें प्लस टू तो नहीं चाहिए, सो वी विल टेक दिस फैक्टर, राइट. सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को हम कैसे लिखेंगे, माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स माइनस 24, राइट. फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक एक्स कॉमन, सो पुट एक्स आउटसाइड द ब्रैकेट. नाउ इन द ब्रैकेट वी हैव एक्स माइनस सिक्स प्लस, फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक फोर कॉमन, सो इन द ब्रैकेट वी हैव एक्स माइनस फोर, सिक्स आर 24. नाउ दीज टू बायनोमियल्स आर कॉमन, ये बायनोमियल्स क्या है, कॉमन है, सो टेक इट आउटसाइड द ब्रैकेट, एक्स माइनस सिक्स. हमने बायनोमियल फैक्टर को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्योंकि वो कॉमन था, एक्स प्लस फोर इन द ब्रैकेट. नाउ दिस इज योर आंसर. एक बार चाहे तो अपने आंसर को चेक कर सकते हैं. एक्स एंड एक्स को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म आनी चाहिए एक्स स्क्वायर, राइट. जो फैक्टर्स हैं उनकी सेकेंड टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, सिक्स फोर जर 24 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 24 लास्ट टर्म आ रही है. एंड जो फैक्टर्स हैं उनके सेकेंड टर्म को ऐड करके माइनस सिक्स एंड फोर को ऐड करके मिडिल टर्म आनी चाहिए विच इज़ माइनस टू, विच वी आर गेटिंग हियर, राइट. सो योर आंसर इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. वन मल्टीप्लाई 24 इज 24, राइट. टू मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 24, थ्री एट सा 24, फोर सिक्स 24, फाइव का टेबल में नहीं आता 24, सिक्स के टेबल में करेंगे तो रिपीटेशन हो जाएगी. नाउ इन फैक्टर्स में से आपको ऐसा फैक्टर चूज करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए, 11 आ जाए, राइट. सो इन फैक्टर से तो पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज द फैक्टर बिकॉज 8 प्लस 3 विल बी 11, राइट. नाउ स्टूडेंट्स 8 एंड 3 को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करके ही 11 आ रहा है, बट वी हैव माइनस साइन हियर, तो इनका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. वाई, बिकॉज जब हम माइनस साइन पुट करेंगे इट मीन्स बोथ आर ऑफ सेम साइन, दोनों का अगर साइन सेम हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट. ऑपोजिट साइन नहीं करेंगे, दोनों का साइन सेम रखेंगे. और सेम हमने नेगेटिव क्यों रखा, बिकॉज मिडल टर्म का जो कोफिशियंट था वो नेगेटिव था, क्लियर. सो 8 प्लस 3 11 एंड दैट विल बी ऑफ माइनस साइन, राइट. सो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई कैन बी रिटन एज माइनस 3 वाई माइनस 8 वाई. सो राइट इट हियर, माइनस 3 वाई माइनस 8 वाई प्लस 24. नाउ फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स टेक वाई कॉमन, दिस इज वाई माइनस 3. फ्रॉम सेकेंड टू टर्म्स टेक माइनस 8 कॉमन, वाई माइनस, माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं हम साथ में, बिकॉज सेकेंड टर्म शुड बी ऑफ माइनस साइन एंड फर्स्ट टर्म शुड बी ऑफ प्लस साइन, साइन ऑपोजिट होने चाहिए और हमारे पास क्या है, ऑपोजिट है, ये माइनस का है ये प्लस का है, राइट. सो साइन चेंज करने के लिए वी विल ऑल्सो टेक माइनस साइन कॉमन, राइट. नाउ वाई क्या था, 8y माइनस का था, अब क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, उसमें से भी हमने 8 कॉमन लिया है, सो दिस विल रिमेन वाई. नाउ फ्रॉम 24 8 3s आर 24, दिस वॉज अ प्लस साइन एंड यू हैव टेकन माइनस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, सो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, राइट. सो नाउ दिस इज द कॉमन बायनोमियल फैक्टर वाई माइनस 3, सो टेक इट आउटसाइड द ब्रैकेट, वाई माइनस 3. नाउ यू लेफ्ट विद वाई माइनस 8, राइट. दिस इज योर आंसर, वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 8. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट दिस इज नॉट अरेंज्ड इन द प्रॉपर मैनर. हमें क्या करना है, पहले हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में अरेंज करना है, मतलब इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स रेज टू द पावर 2 को स्टार्टिंग में लिखेंगे, दिस इज ऑफ माइनस साइन, देन
वेरिएबल की पावर वन इसमें है तो इसको सेकंड प्लेस पर रखते हैं, देन कांस्टेंट टर्म, दिस इज ऑफ प्लस 48 लिखा है ना, 48 मींस प्लस 48, राइट। नाउ दिस इज अरेंज्ड इन प्रॉपर मैनर, हमने इसको क्या किया जो उसके वेरिएबल्स थे उनकी जो पावर थी उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। नाउ फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म विच इज 48, 48 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 48 इज 48, राइट। 2 से चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 मल्टीप्लाई 24 इज 48। 3 से चेक करते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 16 जा 48, राइट। 4 से चेक करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 12 जा 48, राइट। 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 मल्टीप्लाई 7, 6 7 जा 48, 6 के बाद 7 आता है, 7 6 जा 48 करेंगे तो रिपीटेशन हो जाएगी, सो नो नीड टू राइट इट, रिपीटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। नाउ इन फैक्टर्स में से वी विल चूज द फैक्टर्स हुज एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज 22, ऐसा फैक्टर चूज करेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 22 आ जाए, राइट। सो 48 प्लस 1 49, 48 माइनस 1 47, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। 24 प्लस 2 26, बट 24 माइनस 2 इज 22, सो दिस इज द पॉसिबल फैक्टर, हम यही वाला यूज करेंगे बिकॉज इनको ऐड करने से क्या आ रहा है, 22 आ रहा है, राइट। सो राइट इट एज माइनस एक स्क्वायर प्लस 24x माइनस 2x, सब्ट्रैक्ट करना था तो ऑपोजिट साइन है दोनों के, एंड ग्रेटर टर्म का साइन क्या रखा है, प्लस, बिकॉज ये जो 22 था ये क्या है, प्लस साइन का है, सो प्लस साइन किसका रखेंगे, ग्रेटर वैल्यू का, राइट, प्लस 48। नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स आप इन टू टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x, सो टेक x कॉमन, नाउ वी लेफ्ट विद माइनस x प्लस 24, राइट। फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक 2 कॉमन, माइनस का लेना चाहे तो माइनस का ले सकते हैं, प्लस का लेना चाहे तो प्लस का ले सकते हैं, सो आई एम टेकिंग प्लस 2 कॉमन, प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। वाई आई हैव टेकन प्लस 2 कॉमन, बिकॉज यहाँ पर माइनस एक्स है, अगर हम प्लस 2 कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स ही रह जाएगा, वही ब्रैकेट में चाहिए, राइट। सो माइनस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 24 इज 48 ना, सो इन ब्रैकेट इट विल लेफ्ट विद 24. Now these are common binomial factors. So take it common, minus x plus 24. In the bracket you left with x plus 2. Right? This is your answer. Or students you can also write it as, aap isko aise bhi likh sakte hain, 24 minus x. Right? माइनस एक्स प्लस 24 को ऐसे भी लिख सकते हैं, सो दिस कैन ऑल्सो बी योर आंसर, राइट, बोथ आर दी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस 176, 176 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स दीज आर दी पॉसिबल फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 176। नाउ फ्रॉम दीज फैक्टर वी हैव टू चूज वन हुज सब्ट्रैक्शन और एडिशन इज 5, जिनको सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए, दिस इज दैट फैक्टर। 16 में से अगर हम 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 5, राइट, और मिडिल टर्म क्या है, माइनस 5 है, सो 16 में से अगर हम 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 5, बट फॉर सब्ट्रैक्शन साइन शुड बी डिफरेंट एंड ग्रेटर टर्म शुड बी ऑफ माइनस साइन, ग्रेटर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका साइन क्या होना चाहिए, माइनस, तभी तो हमें आंसर माइनस मिलेगा। अब साइन क्या होगा, ये प्लस होगा बिकॉज ऑपोजिट होना है, सो वी कैन राइट इट एज पी स्क्वायर माइनस 16p प्लस 11p माइनस 176। सो फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक पी कॉमन, टेक पी कॉमन, दिस इज पी माइनस 16 नाउ, प्लस फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक 11 कॉमन, नाउ दिस इज पी माइनस 16, राइट। नाउ दीज आर कॉमन बायनोमियल फैक्टर्स, सो टेक इट कॉमन,
पी माइनस 16 को कॉमन ले लेते हैं. नाउ इन द ब्रैकेट वी हैव पी प्लस 11, राइट. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. 102 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए, 11 आ जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 102. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 102, राइट. 2 से चेक करते हैं, 2 फाइव ज़ा 10, 2 वन ज़ा 2, 102 आ जाएगा. 3 से चेक करते हैं, 2 प्लस 1 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा. सो 3 थ्री ज़ा 9, 3 फोर ज़ा 12, 102. 4 से चेक करते हैं, 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं, क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है. 4 टू ज़ा 8, नो दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, राइट. 5 से भी डिविजिबल नहीं है. 6 से चेक करते हैं, 102 बाय 6, 6 वन ज़ा 6, और इज रिमेनिंग 42, 6 सेवन ज़ा 42, राइट. सो 6 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 102, राइट. एंड स्टूडेंट्स फर्दर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमें नीड ही नहीं है फर्दर फाइंड आउट करने की फैक्टर्स, बिकॉज अगर हम 6 एंड 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 11, राइट. 17 में से अगर आप 6 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो डू यू गेट 11. सो आगे फैक्टर्स नहीं फाइंड आउट करते, जस्ट वर्क विद दीज फैक्टर्स, राइट. सो वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 17 6. 17 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 11. बट स्टूडेंट फॉर सब्ट्रैक्शन साइन शुड बी डिफरेंट, एंड वन मोर कंडीशन इज देयर, दिस इज ऑफ माइनस साइन. एंड आंसर माइनस का तभी आएगा जब जो ग्रेटर टर्म होगी, ग्रेटर नंबर होगा, वो माइनस का होगा. सो 17 अगर माइनस का है तो 6 प्लस का होना चाहिए, साइन अपोजिट होंगे तभी सब्ट्रैक्ट हो पाएगा. सो जस्ट राइट इट जे स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस 17 जे प्लस 6 जे माइनस 102. फ्रॉम दीज टू टर्म्स टेक जे कॉमन, जे कॉमन ले लेते हैं. दिस इज जे माइनस 17. From these two terms, take 6 common of plus sign, j as it is. अगर आप 102 में से 6 common ले लेंगे, you will get 6 ones are 6, 6 sevens are 42. ये 17 आपको bracket में लिखना हुआ, right? So these are common binomial factors, right? So take them common, उसको common ले लेते हैं, minus j minus 17. Now in bracket you have, so this is your answer. Next question, question number 19. First of all, arrange it in the descending order of the power of the variable. So first of all, we will write the power 2 minus 3b square, then plus 12b, then plus 15. Now we can take 3 common, बिकॉज इन सब में जो भी कोफिशेंट है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है. सो वी कैन टेक 3 कॉमन, राइट. सो टेक 3 कॉमन. वेन यू विल टेक 3 कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, यू विल गेट माइनस बी स्क्वायर प्लस फ्रॉम 12 यू हैव टेकन 3 कॉमन, 3 फोर ज़ा 12. सो नाउ यू लेफ्ट विद 4b प्लस 3 5 ज़ा 15, राइट. नाउ यू विल फैक्टराइज दिस पॉलीनोमियल, राइट. 5 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. 1 मल्टीप्लाई 5 इज 5, बिकॉज इन फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके क्या मिल रहा है हमें, 4 मिल रहा है, राइट. सो 5 माइनस 1 इज 4, राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस बी प्लस 5, दिस इज माइनस बी स्क्वायर प्लस 5b माइनस 1b प्लस 5, राइट. फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक बी कॉमन, बी कॉमन ले लेते हैं, बी. नाउ इन ब्रैकेट यू हैव माइनस बी प्लस 5, टेक 1 कॉमन. 1 प्लस का लेंगे, वाई हम माइनस का ले सकते थे स्टूडेंट, बट अगर आप माइनस का साइन ले लेंगे कॉमन तो इट विल बिकम प्लस बी, राइट.
और यहाँ पर क्या है माइनस भी, हम कोशिश करते हैं कि ऐसा वेरिएबल कॉमन लें जो दोनों जो कॉमन टर्म है वो हमारे पास सेम आ जाए, राइट। सो नाउ वी विल टेक प्लस वन कॉमन, सो इन द ब्रैकेट यू हैव माइनस बी प्लस फाइव, राइट। नाउ दीज आर कॉमन बायनोमियल फैक्टर्स, राइट। सो वी विल टेक इट कॉमन, थ्री कॉमन ले लेते हैं, माइनस बी प्लस फाइव, नाउ इन द ब्रैकेट यू हैव बी प्लस वन, राइट। नाउ सिंपली यू कैन राइट इट एज थ्री मल्टीप्लाई माइनस बी प्लस फाइव इंटू बी प्लस वन, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ सी, बिकॉज सी क्या है सब टर्म्स में कॉमन है, सो सी की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 सी रेज टू द पावर 5, देन प्लस 8 बी सी रेज टू द पावर 4, प्लस बी स्क्वायर सी क्यूब, राइट। हमने सी की पावर में क्यों अरेंज किया है, बिकॉज सी कॉमन था सब टर्म्स में, राइट। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व वी कैन टेक सी रेज टू द पावर 3 कॉमन, सी रेज टू द पावर 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, सो हम मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं ना, सो आई हैव टेकन सी रेज टू द पावर 3 कॉमन, राइट। नाउ इन द ब्रैकेट यू हैव 12, सी रेज टू द पावर 5 था, पावर 3 कॉमन ले लिया, यू लेफ्ट विद सी रेज टू द पावर 2, प्लस 8 बी सी रेज टू द पावर 4 था, आपने पावर 3 कॉमन ले लिया, सो 1 पावर इज स्टिल रिमेनिंग, प्लस फ्रॉम दिस बी स्क्वायर सी क्यूब, आपने सी क्यूब तो बाहर ले लिया, सो यू लेफ्ट विद बी स्क्वायर, राइट। नाउ यू विल फैक्टराइज दिस। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव न्यूमेरिकल टर्म हियर, सो हम इसको प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं। आई एम राइटिंग बी स्क्वायर फर्स्ट, प्लस 8 बी सी, प्लस 12 सी स्क्वायर, राइट। अब 12 सी स्क्वायर के फर्स्ट ऑफ ऑल 12 के फैक्टर्स ऐसे फाइंड आउट करो जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, राइट। सो 6 टू जो 12, राइट। अब तो हमें पता चल गया कैसे फाइंड आउट करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस 6 बी सी प्लस 2 बी सी, 6 प्लस 2 8 होता है ना, वेरिएबल तो साथ में लगाना ही है, 12 सी स्क्वायर सी क्यूब। नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक बी कॉमन, बी कॉमन लिया, यू लेफ्ट विद बी प्लस 6 सी, प्लस फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक 2 सी कॉमन, सो यू लेफ्ट विद बी प्लस 6 सी। Now this b plus 6c and this b plus 6c both are common binomial factors. So take it common, उसको common ले लेते हैं, b plus 6c, now you left with b plus 2c, right. Now you can remove the square brackets, c cube into b plus 6c इंटू बी प्लस 2c, राइट। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट दिस इज y रेज टू द पावर 4, सो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, है ना। यहाँ पर पावर 2 थी होल की, यहाँ पर होल की पावर क्या है, 1 है, माइनस 32, राइट। सो इट मीन्स दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 32, 32 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके क्या आ जाए, 4 आ जाए। सो 8 फोर से 32, राइट। आप चाहे तो प्रीवियस मैथड से जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हैं, सो दिस इज वाई रेज टू द पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर कैन बी रिटन एज 8y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, राइट।
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, और ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस आएगा बिकॉज 4y² क्या है, प्लस साइन का है, -32। नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक y² कॉमन, सो यू लेफ्ट विद y^4 में से यू ऑलरेडी हैव टेकन y^2, सो y^2 इज स्टिल रिमेनिंग, प्लस फ्रॉम 8y² यू हैव टेकन y² कॉमन, सो 8 इज हियर, माइनस यू आर टेकिंग 4 कॉमन हियर, -4, सो साइन ऑफ इनर टर्म्स विल बी चेंज, प्रीवियसली दीज टर्म्स वर ऑफ माइनस साइन, नाउ दीज विल बी ऑफ प्लस साइन, राइट, सो दिस इज y² प्लस 4 8s are 32, राइट, नाउ दीज आर कॉमन बायनोमियल फैक्टर्स, सो टेक इट कॉमन, टेक दिस y² प्लस 8 कॉमन, नाउ इन द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद y² -4। एंड स्टूडेंट वन मोर थिंग, दिस y² -4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज y² -2² एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a² -b² इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इट मीन्स y प्लस 2 इंटू a माइनस बी दैट मीन्स y माइनस 2, राइट, सो हम इस y² -4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, सो दिस इज y² प्लस 8 एंड y² -4 कैन बी रिटन एज y प्लस 2 इंटू y माइनस 2, राइट, सो दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट विद दिस क्वेश्चन योर एक्सरसाइज 6F इज कम्प्लीटेड, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 6G, टिल देन कीप डूइंग प्रैक्टिस एंड बी सेफ एट योर होम, थैंक यू, हैव अ गुड डे।